जय श्री कृष्णा दोस्तों, अक्टूबर 2024 में अंक ज्योतिष आपके लिए क्या पूर्वानुमान दे रहा है। अक्टूबर के इस मंथ में आपके जीवन के किस क्षेत्र में चैलेंजेस हैं और किस क्षेत्र में खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक देने आ रही हैं, आइए डिटेल में इसकी चर्चा करते हैं। साल 2024 में शनि की एनर्जी पूरे वर्ष हमारे साथ चलेगी। अक्टूबर मंथ की सूर्य राशि है तुला राशि, जो 17 अक्टूबर से प्रभावी रहेगी। 17 अक्टूबर से पहले सूर्य कन्या राशि में विराजमान रहेंगे, जिस कारण आप सभी 1 से 9 अंक वालों में, खास करके कोर्ट संबंधी डॉक्यूमेंट संबंधी कार्यों से जो लोग जुड़े हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाला लोगों के लिए ये समय काफी अफेक्टिव रहने वाला है। इस मंथ आप सिक्के के दोनों पहलू पर भली भांति सोच विचार करके ही आगे कोई निर्णय लेंगे। इस मंथ आपको सही क्या है, गलत क्या है, इन सभी बातों से आप रूबरू होंगे, जिस कारण आपका विजन भी क्लियर होगा और आपको अपना रास्ता तलाशने में आसानी रहेगी। मंथ के शुरुआती समय में सूर्य का कन्या राशि में होना दर्शाता है कि बारिश का मौसम अभी और ज्यादा प्रभावी रहेगा, जिस कारण देश दुनिया में मंकी पॉक्स के मामले बढ़ सकते हैं, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया जैसे रोग बढ़ने का भी खतरा बन सकता है। साथ ही बरसाती मौसम के अफेक्ट आपके शरीर के साथ साथ आपके लाइफस्टाइल में भी बदलाव को दिखला रहा है। शनि का राहु के प्रभाव में होना ये बतलाता है कि भ्रम और शंकालु की स्थिति आपकी पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी बनी रहेगी। आपकी लव लाइफ पर इसका असर दिखा जा सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, थोड़ा सतर्क रहें और समझदारी का परिचय दें। ये समय आपके लिए कुछ ज़्यादा खास नहीं रहने वाला। अपने पार्टनर के साथ ईमानदारी बरतनी है। अपनी मैरिड लाइफ में भी आपके भ्रम और शक जैसी बातें आपके रिश्ते को नाजुक बना सकती है। आपके वर्क प्लेस पर अगर आप ईमानदारी से और पूरी लगन के साथ काम करते हैं तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। हाँ, काम में लापरवाही या काम ना करने वालों के लिए ये समय मुश्किलों भरा रह सकता है। अक्टूबर के प्रथम शुरुआती समय में देश के कई राज्यों में कानून व्यवस्था में गड़बड़ी के संकेत मिल सकते हैं। महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ सकते हैं, साथ ही कुछ आर्थिक घोटालों के भी संकेत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। हाँ, युवा वर्ग जो बेरोजगार है उनमें आक्रोश देखने को मिल सकता है, किंतु अधिकांश लोगों के लिए ये अक्टूबर का मंथ स्टेबिलिटी लाने वाला रहेगा। पुरानी आदतों और पुरानी शिकायतों से बाहर निकलने का ये सही मौका रहेगा। दूसरों के सहयोग से कैरियर में आपको कुछ अच्छे अवसर भी प्राप्त हो सकेंगे। वहीं बात अगर देश दुनिया की जाए तो जिन देशों की सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है उसमें कुछ कमी देखने को मिल सकती है। प्राकृतिक आपदा की स्थिति बनी रहेगी। युद्ध से जूझ रहे देशों को कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है। नए स्कैंडल देखने को सुनने को मिल सकते हैं, जिस कारण खुफिया विभाग अलर्ट रहेगा। अक्टूबर के इस मंथ में आप सभी 1 से 9 अंक वालों के लिए पर्सनल मंथ का नंबर निकल कर आता है 18 का अंक। सूर्य और शनि के मिलने से यहाँ पर मंगल की एनर्जी बन रही है, जो आपके स्ट्रगल को दर्शाती है। हालांकि अलग अलग मूलांक वालों पर इसका प्रभाव अलग अलग ही देखने को मिलेगा। अब बात अगर अंक 3 की कर ली जाए तो जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक बनता है 3। जिनका भी मूलांक या फिर भाग्यांक 3 का अंक है उनके लिए अक्टूबर के इस मंथ में पर्सनल मंथ नंबर निकल कर आता है 21 का अंक, यानी कि फिर से गुरु की एनर्जी। अक्टूबर के इस मंथ में अंक 3 वालों पर 3, 6, 8 और 9 के अंक का मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा। इस मंथ आपका सोशल स्टेटस काफी बढ़िया रहने वाला है। नेटवर्किंग में भी काफी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं। फिजिकल एक्टिविटीज काफी होने वाली हैं और साथ ही साथ खर्चों में भी बढ़ोतरी होने वाली है। जहां एक ओर आपको अपने कॉम्पिटिटर से लड़ना होगा तो दूसरी ओर आपको अपने कुलीग्स का भी सपोर्ट मिलेगा। इन सब के बीच में आप अपनी स्किल को कैसे बढ़ावा देते हैं और आपकी कम्युनिकेशन कैसी रहने वाली है ये आप पर डिपेंड करता है, कितनी समझबूझ से आप आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अक्टूबर का ये मंथ आपकी एक्टिविटीज को, अपने विचारों को साझा करने का, खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का सबसे अच्छा समय रहेगा। आपकी सोशल एक्टिविटीज बढ़ेंगी क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी और आपकी इंटेलिजेंसी दूसरों को आकर्षित करने में अवश्य सफल रहेगी। इस मंथ आप कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं जो आपके कैरियर से रिलेटेड हो सकते हैं या फिर आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा कोई मामला हो सकता है। आपके रिलेशनशिप को लेकर भी कोई मैटर हो सकता है, क्योंकि आपकी लव लाइफ में 16 अक्टूबर के बाद खास तौर से कुछ अच्छा स्पार्क देखने को मिल सकता है। फाइनेंशियली आप अच्छा करेंगे और स्टेबल भी रहेंगे। पैसे को आप सोच समझ कर ही खर्चा करेंगे। फिर भी कुछ ऐसे खर्चे हो सकते हैं जो आपके प्रियजनों से संबंधित हों,
इस मंथ आप अपने प्रियजनों के साथ एक अच्छा समय बिताएंगे। मैरिड लाइफ के लिए भी समय काफी अच्छा रहने वाला है। यदि सिंगल है तो इस मंथ आपकी मुलाकात किसी ऐसे पर्सन से हो सकती है जिसके साथ आप आगे बढ़ना चाहें, और ये मुलाकात आपकी किसी सामाजिक कार्यक्रम में भी हो सकती है। इस मंथ आप सोशली काफी एक्टिव रहेंगे। सामाजिक मुद्दों को उठाने पर आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। देश को, समाज को या फिर अपने परिजनों को बेहतर बनाने के लिए कोई ठोस कदम उठा सकते हैं। उनकी मदद के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। सामाजिक कार्यक्रमों के द्वारा आपकी नए लोगों से पहचान होगी, नए दोस्त बन सकते हैं, और पुराने दोस्त भी आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके हेल्पिंग हैंड बनकर सामने उभर कर आएंगे। आप भी अपने दोस्तों के लिए समय भी निकालेंगे और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आपके अपने छोटे भाई बहनों से, अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से अच्छी बनेगी, उनकी सपोर्ट आपको मिलेगी। 16 अक्टूबर से पहले पहले आपको सरकार से, प्रशासन से या न्यायालय से, इन संबंधी क्षेत्रों से आपके कोई कार्य हैं, पेंडिंग कार्य हैं, उसमें कोई ना कोई रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकता है, कोई रिजल्ट अवश्य मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको इस बात के लिए भी सतर्क किया जाता है कि 16 अक्टूबर तक आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिसमें आपको एग्रेशन हो, गुस्सा जल्दी आए, जल्दबाजी में कोई काम करें, या ऐसी कोई वार्तालाप हो जाए अपने कुलीग्स के साथ या अपने बॉस के साथ या फिर अपने कॉम्पिटिटर के साथ या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में आपके जीवन साथी के साथ, अपने परिजनों के साथ कोई ऐसी बात हो जाए कि वो वाद विवाद, बहस का मुद्दा लंबा छिड़ जाए और वो आपका शत्रु बन जाए। कुछ मामलों में तो बात इतनी ज़्यादा बढ़ सकती है कि वो अदालती रूप भी धारण कर सकती है, इसीलिए थोड़ा सतर्क भी रहें, क्योंकि इस टाइम पीरियड में हो सकता है आपको ना चाहते हुए भी कहीं ऐसे पर्सन को झेलना पड़ जाए जिसे आप अंदर ही अंदर पसंद ना करते हो। इसीलिए ऐसे टाइम पीरियड में थोड़ा आप अपना धैर्य बनाए रखें, क्रोध में, आवेश में आकर कुछ ऐसा गलत ना कर जाएं जो इसका रिजल्ट आपको लंबे समय तक भुगतना पड़ जाए। चापलूसी करने वाले मित्रों से दूर रहें। आप लोग एक अनुभवी व्यक्ति हैं, इंटेलिजेंट हैं। इस मंथ आप एनर्जेटिक भी खूब रहने वाले हैं, इसीलिए जोश में आकर होश बिल्कुल भी ना खोएं, समझदारी का परिचय दें। हाँ, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी कागजी कार्यवाही कर रहे हैं तो पढ़ने के बाद, अच्छी तरह से समझने के बाद ही सिग्नेचर करें। आपके अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशन सामान्य ही रहेंगे। अगर कोई सपोर्ट नहीं भी करता है तो कोई विरोध भी नहीं करेगा। इस मंथ आपको सिर्फ और सिर्फ करना यही है कि अपने व्यवहार में और अपनी वाणी में कंट्रोल बनाए रखना है। ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई भी काम नहीं करना है और ना ही ओवर एक्साइटेड होकर अपने किए गए कार्यों की किसी को भी खबर नहीं होने देनी है, वरना आप मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्यवाही चल रही है तो वो आपकी पूरी होगी। पेरेंटल प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है या फिर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के लिए अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं तो वो भी आपका पास हो सकता है। जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अच्छा यही होगा कि आप पुराने स्टूडेंट्स से एक्सपीरियंस, उनके एक्सपीरियंस के बेस पर अपने एजुकेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। वैसे भी आपको कब्ज की शिकायत या वजन बढ़ने की शिकायत हमेशा लगी रहती है। अपने भोजन पर, अपनी डाइट पर थोड़ा ध्यान दें, मौसम के अनुकूल ही डाइट लें। अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर ना करें, आपकी खुशियों को नजर लग सकती है। हाँ, किसी शुभचिंतक का साथ होना भी बेहद जरूरी है, खासतौर पर आपके बड़े बुजुर्ग या फिर आपका कोई ऐसा दोस्त या फिर कोई मेंटोर जिनसे आप अपने मन की बात कह सके और कोई सॉल्यूशन आपको मिल सके। इन सब के बावजूद परिस्थितियां अगर ऐसी हो जाएंगी, कुछ समझ ना आए, तो काउंसलिंग की मदद भी अवश्य लें ताकि आप अपने जीवन को एक सही दिशा प्रदान कर सकें, अपने जीवन को उच्चतम ऊंचाइयों की ओर ले जा सकें। तो कितना कनेक्ट हो पाए हैं मेरी इस वीडियो के साथ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं, और भी गहराई से जानना चाहते हैं अपने आप को, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं, तो वो पेड हैं। आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं आरुमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूँगी। जय श्री कृष्ण दोस्तों।